अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ न्यूली इलेक्ट्रॉनिक्स फैसलाबाद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखते होंगे। ले जी, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक बॉक्स की अनबॉक्सिंग लाया हूं और इस बॉक्स के बारे में बड़े ख़ास सारे कमेंट्स हैं और बड़ी ख़ास सारी हदायत हैं। ये डिब्बा है ओल्ड इज़ गोल्ड, जैसे ओल्ड इज़ गोल्ड, और इसमें आपको यानी हदायत ये दी जाती है कि अगर ये बॉक्स आपको किसी भी शॉपकीपर, किसी भी डीलर या पाकिस्तान के किसी भी कॉर्नर पे आपको मिले, तो आप शॉपकीपर और डीलर या जो भी बंदा है उससे बहस किए बगैर इसको फौरन बाय कर लें, क्योंकि ये एक बहुत यूनिक चीज़ है और ये कुछ यूनिक आर्टिकल्स में है क्यों मैं इसको फौरी आपको बाय करने के लिए रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, उसकी मैं रीज़न भी आपको बताऊँगा कि वाई मैं आपको क्यों इसके बारे में कह रहा हूँ। तो इसकी आज मैं आपको टोटल अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और ओरिजिनलिटी की शॉर्टी बताता हूँ कि ये है पैनासोनिक का ओरिजिनल MX AC 210S मिक्सर ग्राइंडर। ठीक है जी, ये वो मिक्सर ग्राइंडर है कि जिससे आप ना सिर्फ अपने घर को चला सकते हैं, बल्कि आप ये डिशेस को देख लें कि कितनी ज़्यादा डिशेस इन्होंने मेंशन की हुई है। इसमें आप ड्राई वेट किस्म की, हर किस्म की ह्यूज लेवल के ऊपर वेट और ड्राई ग्राइंडिंग कर सकते हैं। भले आपका अगर कोई रेस्टोरेंट भी है तो उसके लिए भी ये हाईली रिकमेंडेड है। ठीक है, इस बॉक्स के मुताबिक जी, ये बॉक्स क्योंकि बड़े कम और बहुत ही कम अब पाकिस्तान में या अब्रॉड दी कंट्रीज़ में रह गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पैनासोनिक ने जापानीज़ मालों को बनाना बंद कर दिया है, तो ये वही स्टॉक हैं जो पहले के पड़े हुए हैं। तो इसमें ये देख लें, पैनासोनिक का साथ वारंटी कार्ड भी लगा हुआ है। ठीक है, ये वारंटी कार्ड इस तरह पैनासोनिक का पहले हर बॉक्स जो इनके मेड इन जापान या मेड इन मलेशिया के बॉक्स आते थे उसके ऊपर इनका यह वारंटी कार्ड लगा होता था। तो बेसिकली इस मिक्सर ग्राइंडर को इतना हाईली मैं रेकमेंड क्यों कर रहा हूँ कि इसके अंदर आप देखें कि आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर कि आप पाइनएप्पल जूस बना लें, आप किसी भी लेवल का हार्ड फ्रूट जूस निकाल लें, ये शेकिंग में सबसे वन ऑफ द बेस्ट ब्लेंडिंग आपको देगा। उसके बाद वेट ग्राइंडिंग आप कर लें, वेट ग्राइंडिंग में जैसे आपने यानी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जैसे भटूरे बनते हैं या दही भल्ला बनता है, तो उसके अंदर जो दाल होती है जो वो आम ग्राइंडर मैश नहीं कर सकता, लेकिन ये ग्राइंडर 100% उसको मैश करने की एबिलिटी रखता है, रखता था और रखता रहेगा। इसी तरह इसके साथ आप व्हिपिंग भी कर सकते हो और इसी तरह इसके साथ आप ड्राई मसाला जात भी जितने हैं वो भी आप इजीली क्रश कर सकते हो। इसके अंदर आपको ये देखें सूंट भी नज़र आ रही होगी कि ये देख लें कि सूंट भी इन्होंने मेंशन की हुई है कि ये सूंट को भी ग्राइंड कर देगा। तो नीचे इनकी ये स्टैंप भी लगी हुई है, पैनासोनिक कॉरपोरेशन ओसाका जापान। ठीक है जी, तो ये बस ये रेयर बॉक्सेस हैं। फिर बता रहा हूँ कि अगर कहीं से भी आपको ये बॉक्सेस मिलें और आप सोचें कि ये थोड़ा महंगा मिल रहा है, तो ये वक्ती तौर पर आपको महंगा लगेगा, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे कई सालों तो उसके बाद आप इस बॉक्स को ढूंढेंगे कि हमें और मिल जाए, लेकिन हो सकता है तब ये मिले ना। ठीक है जी, चले जी, मैंने बॉक्सेस की सारी आपको बता दी है कि इसकी ये मोटर होती है, मोटर के अंदर एक दो तीन स्पीड्स होती हैं, दो बटन और होते हैं, एक सर्किट ब्रेकर का बटन होता है और एक पल्स का होता है। स्टील का इसका बड़ा कंटेनर होता है और स्टील का इसका छोटा कंटेनर होता है, और आई थिंक इसकी अप्रॉक्सीमेटली 1000 वॉट की पावरफुल मोटर होती है। चलें जी, इस बॉक्स को मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। आपको जो मैंने निशानियाँ बताई हैं ओरिजिनल की, इस निशानियों के साथ आप किसी भी दुकानदार से आप बाय कर सकते हो। चले जी, अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। ले जी, इसके बॉक्स से हमने इसका ये पर्दा हटा दिया है जो ऊपर लगा हुआ था, क्योंकि ये पर्दा भी जापानीज है इसलिए हम इसको गुम नहीं करेंगे। ठीक है, और इसको आप करें जी बिस्मिल्लाह, खोलें, ये इसको अनबॉक्स कर दिए। देखिए जी, इंटरनेशनल लेवल पे जैसे हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, तो इंडिया में जो मिक्सर ग्राइंडर है बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इस तरह पाकिस्तान में भी इसकी बहुत सारी ट्रेंडिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम जितने भी मसाला जार ड्राई बैठे हैं, ये इसके साथ कैटलॉग दी हुई है पैनासोनिक कॉरपोरेशन की। ठीक है, इसमें क्योंकि इसके नेक्स्ट मॉडल भी आते हैं तो कैटलॉग उन्होंने एक ही दी हुई है। तो इसी तरह ये एक पेपर है, इस पेपर के ऊपर स्टिकर जिस पर और कुछ हदायात
इंग्लिश में और कुछ और लैंग्वेज में और अरबिक में लिखी हुई हैं। इसके बाद जी आप इसकी पैकिंग देख लें, बहुत आला किस्म की पैकिंग है आप देख सकते हैं। और पैकिंग में फर्स्ट इसकी पैकिंग का बॉक्स ये है, इसके साथ जो है ना एक कैप है, दूसरा कैप है, और ये ऐसे विस्कर है, और ये साथ इनका पिलर दिया हुआ है। और ये आप जार देख लो यार, कि क्या बात है यार इस मैन्युफैक्चरिंग की। एयर टाइट रबर्स दिए हुए हैं, आप ये देखें कि ये वाकई देख लें, जापानी जापानी होते हैं, जो जापानीज़ काम करते हैं वो ना कोई कर सकता है और ना कोई कर पाया है। तो ये आप देख लें इसकी क्वालिटी, ये इसका बड़ा जार है, इसके ऊपर उन्होंने बकायदा लिखा हुआ है, हैवी ड्यूटी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मेटल, हाईएस्ट फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील जार, शार्प एंड हार्डर्ड स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स। यानी उन्होंने खुद कहा हुआ है कि आप चाहे इसके अंदर जैसी मर्जी चीज़ें पुट कर लें, इसके लिए कोई मसला नहीं। ये इसका छोटा जार है जी, इसकी क्वालिटी भी आप देख लो, ठीक है जी। मेरे हाथ में पकड़ने से भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इसको ही कोई आधा किलो का या 750 ग्राम का कोई वेट उठा लिया, इतना वजनी है ये जो है ना। और बुश भी देखें नीचे कैसा ज़बरदस्त है, और ये डबल सेफ्टी के साथ इसका ब्लेड देखें आप अंदर से उसका ब्लेड भी देखें, इसका भी देखें ग्राइंडिंग के लिए। और ये देखें जी लास्ट एंड लीस्ट मोटर देखें जी, क्या ज़बरदस्त क्वालिटी है मोटर की। और इसकी कॉर्ड आप देखें, ऐसे लगता है जैसे एसी की वायर लगा दी हुई है जो है ना। और ये कॉर्ड भी ज़बरदस्त क्वालिटी की हामिल है। तो ये देख लें, ये जी पैनासोनिक का एसी 210S मिक्सर ग्राइंडर ओरिजिनल आपके लिए हाजिर खिदमत है। हमने इसको जैसे आप समझ लें कि किसी सुरंग से निकाल लिया है आपके लिए। तो ये स्टॉक में आ चुका है, अगर आपको ये ऑनलाइन चाहिए तो आप हमारे से ऑनलाइन इसको ख़रीद सकते हैं और अपने किचन की शान को बढ़ा सकते हैं, और अपने घर में ही अपने तमाम मसाला जात और ड्राई वेट ग्राइंडिंग करके इंजॉय कर सकते हैं। मोटर के नीचे भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि नीचे क्या इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं इसमें, क्योंकि उठाने के लिए मुझे हेल्प चाहिए थी। काफ़ी वेटेड मोटर है ये, आप देख सकते हैं कि पैनासोनिक मिक्सर ग्राइंडर का कोड नीचे भी दिया हुआ है कॉर्पोरेशन। और देखें आप, जो मैं कह रहा था कि 1000 वॉट नीचे मेंशन है, ठीक है, तो ये 1000 वॉट की हैवी ड्यूटी, यानी अगर आप 400 वॉट का भी कोई जूसर ब्लेंडर ले लें तो वो गाजर वाजर चुकंदर को ख़त्म कर देता है, वो भी ग्राइंडिंग कर लेता है छोटे मोटे, लेकिन ये 1000 वॉट है। लेट चलें जी, आपको इसकी थोड़ी सी सम्बलिंग करके दिखा देते हैं। तो ये है इसका बड़ा जार, इसमें एयर टाइट ये ऊपर इसके कैप होते हैं, ये एयर टाइट कैप आप निकालें पहले। यानी इसकी ग्राइंडिंग का लेवल इतना हैवी होता है कि उन्होंने ऊपर के जो बटन्स हैं उनको, ऊपर के जो जार हैं उनको एयर टाइट कर दिया हुआ है। लाइक ये लॉक आप देख सकते हो कि यहाँ लॉक नहीं है, अगर आप यहाँ करोगे तो ये लॉक होगा। और इन जार्स को उन्होंने एयर टाइट कर दिया, और एयर टाइट होके ये बाकायदा ये देखें ऐसे लॉक लेते हैं, ये लॉक हो गया। अगर अब ये खुलेगा नहीं, ये खुलेगा इस बटन को दबाने के बाद ही, जब तक आप बटन नहीं दबाएंगे प्रोडक्ट। ये लॉक इन्होंने जापानीज़ ने इसलिए रखा है कि अगर हैवी ड्यूटी चीज़ भी हो तो अंदर किसी किस्म का मसला क्रिएट ना हो, ठीक है जी। अब थोड़ा सा प्लग इन करके इसमें प्लस सर्किट ब्रेकर भी है, कि यानी ये कभी बर्न नहीं हो सकता, कि सर्किट ब्रेकर है उसमें भी आप अगर कोई मसला होगा तो सर्किट ब्रेकर मोटर को खुद ही वार्न कर देगा, जिसमें मोटर ऑटो शट ऑफ हो जाएगी और थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। जी मैंने इसको प्लग इन किया है, तो ये हैवी ड्यूटी मोटर को ये देखें, ये पल्स है इसकी, आप देख सकते हो, ठीक है, मैं चला रहा हूँ, इसकी 1 स्पीड है, ठीक है, ये आप देखते हैं, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो काफ़ी हैवी ड्यूटी मोटर है, काफ़ी यानी कि इससे लग रहा है कि आप बहुत हैवी काम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इनका ये फिर एक छोटा जार है, यानी छोटा जार है, इसमें आप मिल्क शेक भी कर सकते हैं और साथ वेट भी कर सकते हैं, फिर छोटा ही है, इसके अंदर आप ड्राई स्पाइसेस जो भी होंगे वो आप इजीली कर लेंगे। इसके लिए फिर इन्होंने ये वाला एयर टाइट जार दिया हुआ है इसका, और ये एयर टाइट जार, यानी ये बड़ी मुझे पसंद चीज़ आई है कि एयर टाइट है, लॉक हो जाता है इसमें, यानी किसी किस्म का हादसा या कोई मसला होने का जो इशू है वो बिल्कुल ज़ीरो है। और आप इसकी ग्राइंडिंग की पावर देखें, आपको खुद ये अभी पहली स्पीड है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो वेरी हैवी ड्यूटी, यानी बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी है। तो
हाईली, यानी इसको क्या मैं रेकमेंड करूँ, ये ख़ुद में एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है ये, और पैनासोनिक का ओरिजिनल है ये। इसके अंदर विस्क का पार्ट दिया हुआ है और साथ इसके ये पिलर में ये चीज़ दी हुई है कि अगर आप इस ब्लेड को ऐसे करके उतारना चाहें तो ये उतर भी जाता है, ब्लेड ऐसे निकल जाता है। ऐसे अगर आप निकालना चाहें और निकाल के फिर आप ये वाला ब्लेड विस्क के लिए निकाल सकते हैं, वो इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये भी इसके लिए अवेलेबल है। तो ले जी ये पैनासोनिक का ये पार्ट्स आप एक जगह ज़रा सेट कर दें, मैं ज़रा सेट करके इसको दिखा दूँ। ले जी ये पैनासोनिक का AC 210 ओसाका जापान आपके लिए हाजिर खिदमत है, और ओरिजिनलिटी की लाइफ टाइम श्योरिटी है। अगर आपको ये ऑनलाइन चाहिए हो तो हमारे पास स्टॉक में आ चुका है, आप इसे हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जाके हमारे से डिटेल्स और ऑनलाइन ऑर्डर ले सकते हैं। और हाईली किस्म की प्रोफेशनल ग्राइंडिंग आप इससे कर सकते हैं, जिसमें लॉन्ग लास्टिंग लाइफ टाइम मटेरियल आपको ये मिलेगा पैनासोनिक की जानिब से। तो अगर आपको ये मेरी इंफॉर्मेटिंग वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जाए करे, क्योंकि मेरे पास जो बेहतर और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपके लिए वो शेयर कर देता हूँ। ये लेने में तो आपको वक्ती तौर पे थोड़ा सारा लगेगा, महंगा है, लेकिन वो मसाल है ना कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, ये बस वही मसाल है कि आप जो एक दफ़ा इसे बाय कर लेगा वो साथ में बाय भी करेगा और दुआएँ भी देगा। लीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी तरह आपके लिए उमदा और आला वीडियोस लाता रहूँगा और आपकी खिदमत करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला।